गुड आफ्टरनून डियर क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड आई विल राइट आंसर ऑफ लेसन फाइव गेस्ट ए कम्प्रीहेंशन सेक्शन ए टू। गुड आफ्टरनून बच्चों, हम लोग अभी इंग्लिश के क्लास में हैं और मैं आज लेसन फाइव का क्वेश्चन आंसर करूंगा जो कि कम्प्रीहेंशन का है। कम्प्रीहेंशन तो सेक्शन ए है, ए टू का वन और टू क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, देखिए आंसर दीज क्वेश्चन। हाउ वॉज नसरुद्दीन ट्रीटेड एट द गेट द फर्स्ट टाइम। नसरुद्दीन के साथ पहली बार गेट पर किस तरह का ट्रीट किया गया, किस तरह का व्यवहार किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, डिड द रिच मैन रिकॉग्नाइज नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम, गिव रीज़न योर आंसर। कह रहा है क्या रिच मैन जो है नसरुद्दीन को पहली बार पहचान पाया, रीज़न दें, अपने जवाब में वजह लिखिए। पहचान पाया या नहीं पहचान पाया, हाँ तो उसकी वजह लिखिए, नहीं तो उसकी वजह लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये लेसन फाइव का मतलब लेसन नेम है गेस्ट, उसका ये क्वेश्चन है ए टू से रिलेट। ए टू कम्प्रीहेंशन ए का, ए टू का ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ए टू दीज क्वेश्चन एंड ए टू आंसर दीज क्वेश्चन। कहा ए टू है, पहले तो देखिए ये ए है कम्प्रीहेंशन, इससे रिलेटेड ए सेक्शन से कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन सब है। ए टू, ए टू का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन सुनिए, हाउ वॉज नसरुद्दीन ट्रीटेड एट द गेट द फर्स्ट टाइम। गेट पर पहली बार नसरुद्दीन के साथ कैसा व्यवहार किया गया, किस तरह से ट्रीट किया गया। आंसर होगा, व्हेन नसरुद्दीन रिच्ड एट द गेट ऑफ रिच मैन पैलेस एंड सेड, ये सेड है एस ए आई डी सेड, योर मास्टर हैज इनवाइटेड मी ऑन फीस्ट। द सर्वेंट लुक्ड हिम विद डाउटफुल आईज And said, wait for some time for confirmation. क्या हुआ जब नसरुद्दीन गेट पर गया और रिच मैन के महल के गेट पर गया और कहा सर्वेंट से कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे खाने पर इनवाइट किया है, दावत दिया है। तो सर्वेंट जो है, जो नौकर था, वो डाउटफुल से आई से मतलब संदेहास्पद, संदेह की नज़र से देखा और नसरुद्दीन से कहा कि कुछ देर जो है आप इंतज़ार कीजिए, मैं ताकि कन्फर्म हो लूँ आगे से। दूसरा क्वेश्चन है, डिड द रिच मैन रिकॉग्नाइज नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम। क्या अमीर आदमी ने नसरुद्दीन को पहली बार पहचाना। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने पढ़ा है कि पहली बार जो है नसरुद्दीन को अमीर आदमी नहीं पहचान सका था, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, नो रिच मैन डिड नॉट रिकॉग्नाइज टू नसरुद्दीन द फर्स्ट टाइम। नहीं, रिच मैन ने पहली बार नसरुद्दीन को नहीं पहचाना। आखिर क्या वजह था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट ड्रेस्ड अप वेल, क्योंकि वो अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहने हुआ था, अच्छा कपड़ा नहीं पहने हुआ था। ही वॉज इन रैग्ड क्लोथ, वो फटे पुराने कपड़े में था, यही रीज़न था। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग लिखे हैं, आगे दूसरे क्लास में इससे आगे हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए हम क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।